वहां पे सर आपका मिनिस्टर साहब भी जो है पख्तून यार वो भी बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन सर आप मुझे मौका नहीं दे रहे थे। मैंने कहा सिर्फ मैं 2-3 मिनट बात कर लूं। बन्नू में अमन जरगा मुनक्कद हुआ था, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुनक्कद किया हुआ था, उसमें मैंने भी शिरकत की। मैं सीधा उधर से ही आ रहा हूं सर। पूरा बन्नू शटर डाउन हड़ताल पे था, पूरे बन्नू से आवाम इसी तरह उबल रहे थे। लोग टोलियों की शक्ल में आ रहे थे, घरों से निकल रहे थे, घर में कोई भी नहीं रह चुका था। सारे लोग, चाहे जो बूढ़े थे, जवान थे, छोटे बच्चे थे, वो सारे जो है ना अमन का नाम लेके, अमन का झंडा तामे हुए परेडी गेट आ रहे थे। तो जब मैं वहां पे मौजूद था, मैंने सर वहां पे स्पीच की है, तो मैंने वहां से इजाजत मांगी है और लोग जोक दर जोक आ रहे थे। किस लिए? अमन के लिए। और कोई नारा नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, ना पीटीआई थी, ना जेयूआई थी, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे वहां पे अमन का नारा लगा रहे थे। किसी का झंडा भी अलाउड नहीं था, सिर्फ अमन का सफेद झंडा था। लेकिन सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जनाब स्पीकर साहब, जब मैं कोहाट तक पहुंचा हूं तो मुझे मैसेजेस आए कि वहां पे अवाम पे गोलियां चली है, 20 के करीब हमारे जख्मी हुए हैं, इसी तरह शोहदा की तादाद है। लेकिन इस अवाम को पता नहीं, चुप की शादी हुई है। वो सिर्फ अपनी करारदादों, हम करारदादों में आपके साथ हैं, हम इमरान खान की रिहाई के साथ हैं आपके साथ, हम जो फ्रॉड इलेक्शन है उसमें आपके साथ हैं, हम सब बातों में आपके साथ हैं, लेकिन खुदारा हमारा खून बह रहा है, इसके लिए हमें वक्त यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। सर ये आज मेरे ऊपर नहीं है, इंशाल्लाह मैं सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं है, इंशाल्लाह हम चुप के नहीं फिरेंगे, इंशाल्लाह हम सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन अमन अपने लोगों को देंगे, अपने इलाके को देंगे, अपने गरीब अवाम को अमन देंगे। हमें फंड नहीं चाहिए, हमें पोस्टिंग ट्रांसफर से कोई सरोकार नहीं है। चाहे आप लोग पोस्टिंग ट्रांसफर करते रहे, चाहे आप हमें फंड ना दे, लेकिन खुदारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम अमन की भीख मांग रहे हैं, हमें अमन दिया जाए। इस तरह ना हो कि वहां पे ये वाकियात हो गए हैं। वहां पे बन्नू स्टेडियम लोगों से कचाकच भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, आप वहां पे चेक कर ले। लेकिन खुदारा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ के लिए जोली फैला रहा हूं। इस ऐवान में मैं अपने खून के लिए, अपने जो बन्नू के आवाम का खून बहा है, उसके भीख मांग रहा हूं। खुदारा हमारी बातों को ध्यान दिया करें, हमारी बातों को सीरियस ले लें। ये मैंने पिछले बजट के सेशन में भी यही बात कही थी, मैंने मिनिस्टर साहब को पॉइंट आउट किया हुआ था कि ये जो मेरियान में वाकया हुआ है, ये सिर्फ मेरियान में नहीं है, ये पूरे बन्नू को लिपेट में लेगा, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा को लिपेट में लेगा, ये पूरे पाकिस्तान को लिपेट में लेगा। ये बदअमनी सिर्फ मेरा मसला नहीं है जनाब स्पीकर साहब, अगर इसके लिए हमने मुअस्सर इकदामात नहीं उठाए तो आज हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं शायद हमारी बोली भी बंद हो जाए। मैंने अपनी गाड़ी में अपने अंकल की लाश उठाई है, 2013 में मेरे ऊपर धमाका हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी में दो शहीदों की लाशें उठाई हैं, 6 जख्मियों की लाशें उठाई हुई है, 3 महीने में बेड पे पड़ा रहा, और किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मेरी? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एहसान ला एहसान ने ली थी। किधर है वो एहसान ला एहसान? वो किस तरह छूट गया है? हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम बत्ताखोरों को बत्ते देने वाले नहीं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गैरत भी एक चीज होती है जनाब स्पीकर साहब, गैरत के लिए मर जाएंगे लेकिन किसी को बत्ता नहीं देंगे, किसी की गलत बात को नहीं मानेंगे। लेकिन आज जो बन्नू में हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां पे तसादम हो जाए इदारों के दरमियान, अवाम के दरमियान, इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, यहां से हिदायत जारी कर दे हॉस्पिटल में कि वो मुअस्सर इकदाम कर ले जख्मियों के लिए, क्योंकि आपके मिनिस्टर साहब भी वहां पे बेड पे पड़े हुए हैं। वो बेचारे भी खून देने के लिए गए थे, वो बेचारे उसको जो है ना वहां पे बेड पे लेट गए। तो
دل میں باقی کافی چیزیں ہیں، لیکن سر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے، میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک جرگا چاہتا ہوں کہ یہ جو امن پاسون تھا اس کے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے، یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات رونما نہ ہوں، وہ آئندہ کے لیے اب برا مان لوگوں کے اوپر، کیونکہ اس میں بچے بھی ہیں سر۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میری ریکویسٹ اس پورے ایوان سے اور آپ کے چیئر سے اس طرح کی رولنگ کے کہ اس میں اس طرح نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں پسایا جائے، اور بے گناہ لوگ اس میں، کیونکہ مرتے بھی ہم ہیں اور جیلیں بھی ہم کاٹتے ہیں، یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے انصافی نہ ہو، انصاف کی حکومت انشاءاللہ، مجھے انصاف کو توقع ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر الفاظ میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، بہت مہربانی۔